तो भाइयों आज फाइनली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का भी ट्रेलर ड्रॉप हो गया और ये सच में इतना ऑसम है कि लोग भूल गए कि ये अपने रन टाइम से भी ज्यादा लेट है। मार्वल के ऑफिशियल ट्विटर के अकॉर्डिंग ये आज सुबह 6 बजे तक आ जाना चाहिए था बट ट्रेलर ड्रॉप हुआ सुबह 9 बजे। खैर बिना किसी और देरी के सीधे ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। वेल इसकी शुरुआत भी होती है सैन फ्रांसिस्को के ही शॉट से जहाँ स्कॉट वॉस्प के साथ अपनी पोस्ट एंड गेम लाइफ एक सेलिब्रिटी की तरह जी रहा है। उसके अपोजिट हमें इसकी बेटी यानी कैसी लैंग जेल से निकलती दिखती है जिसका रीजन तो हमें नहीं पता बट ये जरूर कहा जा सकता है कि थानोस की स्नैप के बाद इसके ब्लिप वाले 5 साल इतने भी आसान नहीं बीते हैं या फिर जितनी प्यारी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा हरामी है। खैर इसके आगे हमें पिछले ट्रेलर वाला ही शॉट दिखता है जहाँ कैसी डीप स्पेस को स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट बनाती है जो क्वांटम रेल में कुछ सिग्नल भेजती है जिसके बाद एंटमैन की पूरी टीम क्वांटम रेल में खींच ली जाती है। इसके बाद हमें दिखता है अपने कैंग का क्लियर लुक वो भी उसके कॉन्करर वाले आर्मर में और ये स्कॉट को ऑफर कर रहा है टाइम जो ये अपनी बेटी के साथ नहीं बिता पाया क्योंकि एंटमैन बनने से पहले तो ये खुद एक क्रिमिनल था जिसकी वजह से इसे सिग्निफिकेंट टाइम जेल में बिताना पड़ा और उसके बाद जब भाई एंटमैन बने तो इन्हें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की लड़ाई में पार्ट लेने के चक्कर में हाउस अरेस्ट होना पड़ा। फिर थानोस की चुटकी और अभी महारानी भी कुछ ऐसा कांड कर देती हैं जिसके बाद इन्हें भी जेल जाना पड़ा तो कुल मिला के ये अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड तो कर ही नहीं पाया और यही चीज़ कैंग इसे ऑफर कर रहा है। इसके बाद का तो हर एक शॉट किसी वॉलपेपर से कम नहीं है। इन्होंने इतना सुंदर दिखाया क्वांटम रेल्म को फिर चाहे वो क्रोनोपोलिस हो कैंग का शहर या क्वांटम रेल्म का आसमान जो बिल्कुल डार्क है और यहाँ सिर्फ एक पोर्टल से लाइट आ रही है और इसके बैकग्राउंड में जेनेट हमें कैंग की कैपेबिलिटीज के बारे में बता रही है कि वो एग्जिस्टेंस को रीराइट करने के साथ साथ पूरी टाइमलाइन को भी शैटर कर सकता है। अब टाइमलाइन शैटर करने वाली चीज तो हमने लोकी में भी देखी थी कि कैसे टीवे वाले सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए ब्रांचेस को शैटर किया करते थे बट रीराइट एग्जिस्टेंस क्या आयरन मैन इस पर बाद में बात करेंगे। पर नेक्स्ट शॉट में स्कॉट शेल्डन की तरह दो में स्प्लिट हो जाता है। अब ये इसने फ्लैश की तरह टाइम रेमनेंट क्रिएट किया है या लोकी की तरह इसके भी मल्टीपल वेरिएंट्स एक ही जगह पर आ गए हैं आई डोंट नो बट जेनेट के मना करने पे भी स्कॉट कैंग के लिए वो लेने चला जाता है जिसके लिए इसने इन सबको यहाँ क्वांटम रेल में बुलाया था क्योंकि अगर स्कॉट यहाँ मना भी करता है तो कैंग इन सभी को मार देगा जिसमें से कैसी को वो पहले ही कैप्चर कर चुका है। इसके बाद ये 5 लोग भी 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं जहाँ स्कॉट कैसी को बचाने के लिए हाइस्ट परफॉर्म कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ जेनेट वॉस्प और हैंक अलग अलग क्रिएचर की सवारी करते दिख रहे हैं वो भी इस दुनिया के एज पर। इन सब के बीच मर्डोक का भी 1st लुक मिलता है और ये वही है जो एंटमैन की 1st पार्ट में येलो जैकेट बना था और ये तब भी विलन था और अब भी विलन ही है बस इसका दिमाग शरीर से ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद दिख रहे रेड वॉइड में ही शायद एंटमैन हमें कूदता दिख रहा है और उसके बाद एंटमैन का खुद चीटियों की तरह टावर बनाकर क्रोनोपोलिस तक पहुँचने का पोर्ट्रेल काफी औसम था। यहाँ एंटहिल की तरह ही एंटमैन की आर्मी नजर आ रही है जो आगे चलकर कैंग की इस आर्मी से लड़ेगी क्योंकि आगे जाकर कैंग भी एक अच्छे विलन की तरह स्कॉट से किए हुए अपने प्रॉमिस को तोड़ देगा और उसी से मचे केओस में हम जॉइंट मैन को भी स्पेगेटी बनता देखते हैं और बाकी सभी मेंबर्स भी हमें एक्शन में दिखते हैं जिसमें मर्डोक भी शामिल है। इन सबसे स्कॉट को वॉस्प बचाती दिखती है बट उससे भी इम्पोर्टेंट हमें यहाँ वॉस्प भी मल्टीपल दिख रही है। इन सब के एंड में स्कॉट का ये डायलॉग कि मुझे जीतना नहीं है बस हम दोनों को हारना है काफी हद तक स्कॉट के सेक्रीफाइस की तरफ पॉइंट कर रहा है बट मुझे लग रहा है कि यहाँ स्कॉट नहीं बल्कि हैंक पिम का एंटमैन अपना सेक्रीफाइस देगा। इनके अलावा भी काफी अच्छी अच्छी थ्योरीज अभी मेरे दिमाग में चल रही है जिन्हें हम धीरे धीरे कवर करेंगे बट फिलहाल तुम ये बताओ कि इस ट्रेलर के बाद क्या तुम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया या बाकी के एमसीयू के लिए एक्साइटेड हो? ऐसा लग रहा है फेज 4 के साथ मार्वल के भी बुरे दिन चले गए। खैर अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या आपके पास कोई और डिटेल हो इससे रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आज एक और ट्रेलर आ रहा है पठान का उस पर भी हम बात करेंगे अगर वो मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।